जबलपुर जिले में पुलिस ने एक हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें, पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि 10,000 रुपए का इनामी शातिर बदमाश छोटू चौबे जिला टीकमगढ़ के ग्राम खरगूरपुरा से पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कई महीनों से एक हत्या के आरोप में फरार चल रहा था, साथ ही उस पर 29 अन्य आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जबलपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपको याद होगा, एक अनिराज नायडू एक मर्डर केस हुआ था और हमने उसमें एक 12 को घटना हुई थी और उसकी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें दो आरोपियों को उस समय पकड़ा गया था। उस केस का जो मुख्य सूत्रधार और मेन जो फरार था, 10,000 रुपये का इनामी छोटू सुयेश चौबे, उसे हमारी जो टीम है, जिसमें हमारे थाना माड़ोताल और हमारी क्राइम की जो टीम है, उसने बहुत ही अच्छे एफर्ट्स के साथ उसको पकड़ा था। और ये जो छोटू चौबे है, इसके ऊपर करीब 29 अपराध हैं, जिसमें हत्या के प्रयास जैसे अपराध हैं। ये जबलपुर पुलिस को दो मामलों में वांटेड था, एक अनिराज नायडू का मर्डर केस जिसमें वो फरार था और एक 307 का गुवारी घाट का मामला था जिसमें फरार था। आज जो छोटू चौबे को माननीय न्यायालय में पुलिस रिमांड हेतु पेश किया गया था, जो थाना माड़ोताल के मामले में जिसमें अनिराज और पन्ना नायडू का मर्डर हुआ था, उस मामले में पुलिस अरेस्टिंग के बाद उसको माननीय न्यायालय में पेश किया गया, पुलिस रिमांड दिया गया। छोटू चौबे पर कितने केस? छोटू चौबे पर लगभग 29 से 30 मामले हैं, जिनमें अधिकांश मामले संगीन अपराध।